combo, combo. Few days back, I was killing myself by eating unhealthy food of Bangalore PG. I'm missing. Okay, aaj ka gaana. थोड़ा ऑफिस का भी स्ट्रेस रहने लगा था कुछ टाइम पहले मेरे को। ओए सोनील सुन, तू कितना रोता है यार। ए बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। In Bangalore itself, I tried to recover. Can you hear my voice? कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे ऐसा लगता है मैंने खुद को टाइम ही नहीं दिया है। पहले जॉब ढूंढता था, वहाँ परेशान था। जॉब लगने के बाद सैटरडे संडे मिलता है तो उसमें वीडियो एडिटिंग, व्लॉग का कोड लिखना, जॉब सीकर क्रैश कोर्स बनाने में पूरा दिन निकल जाते थे। दो दिन सोता वो था, टाइम से नहीं था यार। ये सब चल रहा था, बट इसके अलावा एक और चीज हुई, मुझे जॉब वगैरह से फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, स्ट्रगल करने लगा। और जो लोग बोलते हैं ना कि जॉब सक्स, एक्चुअली जॉब डोंट सक, तुम सही जगह पर नहीं हो। फ्लोटिंग थ्रू आउटर स्पेस, आई एम लॉस्ट एंड आई कैन फाइंड अ वे। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई रियलाइज वन थिंग, फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम जॉब अकर्स ओनली व्हेन व्हाटएवर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड और व्हाटएवर यू आर एक्सपेक्टिंग दैट आई विल लर्न ऑल दिस। इफ यू विल नॉट गेट ऑल दिस एंड स्टिल यू आर वर्किंग मोर देन 9 hours एंड यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग लर्निंग and you are struggling to get help from any senior. Sir, ये कोड लिखा है, काम नहीं कर रहा है, देख के बता दो ना सही है या गलत। पागल है पागल, ये सही गलत का पूछ रहे हो हमसे? दुनिया भर की गंदगी परखे ठेका उठा रखा हमने, हैं? हमें तो खुदा ही पता नहीं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। ता नहीं, सही गलत पूछ रहे हैं, जाइए अपना काम करिए। And you are trying to, you know, figure out how to do, how to progress and all this. At some point of time, you get frustrated. You get that mental pressure that you are not able to proceed. You are not worth enough. Oh, all the lights going dark and my hopes destroy. मैं पिछले साल ऐसा काम किया हूँ कि कुछ सीखा नहीं हूँ, सिर्फ frustration, यार जॉब छोड़ने का मन करता था। It's so dark out here in space. And it's been so long, been so long since I've seen. लाइफ ऐसे ही चल रही थी, 2 या 3 महीने मैंने कैसे ना कैसे करके काटे और इन 2 या 3 महीने में मैं बहुत ज्यादा तो बीमार पड़ा। फिर मैंने अपने मैनेजर को बोला कि मेरी तबीयत बार बार खराब हो रही है और मुझे डर था कि मुझे कुछ हो तो नहीं गया है, कोई बड़ी बीमारी। मैंने मैनेजर को बताया तो मैनेजर ने मुझे बोला यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैंने बोला कि मुझे घर जाना है तो उन्होंने बोला गो। एंड बहुत अच्छे हैं मेरे मैनेजर, सीरियसली, जो उन्होंने मुझे घर जाने दिया, मैं 2 वीक के लिए घर गया। मैंने जब अपने पुराने फोटोज देखे तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पहले फिर भी अच्छा लगता था, अभी तो हेक्टिक लाइफ जीने के बाद अपने आप को घाल लिया हूँ यार। मैं पिछले 22 साल से पतला हूँ और आगे पतला रहना नहीं चाहता। फिलहाल मैं घर चला गया था 2 हफ्ते के लिए। जाके मैंने अपने आप को रिवाइव किया और डिसीजन लेके आया कि अब आगे करना क्या है मुझे आगे लाइफ। वापस बैंगलोर जाऊंगा, अपनी बॉडी बनाऊंगा, अपना रूटीन बनाऊंगा, अपने आप को इतना हेल्दी कर लूंगा कि लोग देख के बोले क्या तो बदल गया, क्या तो ट्रांसफॉर्म। इसकी शुरुआत कैसे होगी, कैसे हुई, ये वीडियो में आगे तुम देखोगे। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे यूट्यूब करने से रोक सके और मुझे मेरे अपने ड्रीम्स के पास पहुंचने से रोक सके, सिवाय मेरी मौत, मेरी बैड हैबिट्स, मेरा खराब रूटीन, मेरी खराब थिंकिंग।
ये मुझे मेरी खराब हेल्थ की साइड ले जा रही थी, और खराब हेल्थ मतलब मौत की साइड डायरेक्शन। मैं ऑलरेडी सफर कर चुका हूँ 3-4 महीने ड्यू टू माई बैड हैबिट, बैड रूटीन, खूब ज्यादा सोचना और कंफ्यूजन फ्यूचर में करना क्या है। दीज ऑल थिंग्स टीच मी अलॉट। मैंने बहुत सारी चीजें सोची और प्लान के साथ आया। नाउ आई हैव प्लान्स एंड नो वन कैन स्टॉप मी टू रीच माई गोल। एंड माई प्लान कंटेन्स ओनली वन फंडा, बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ। Came up with this plan, simple plan. Just make a video when you feel like you are free. Don't make, you know, just you want to make, because what is happening, I'm not able to provide you the quality of work that I can provide. And the second thing, मेरे को दिमाग खराब होता था यार, मतलब मेरे साथ कुछ लोग YouTube start किया है, वो लोग millions पे पहुंच गए और मैं यहाँ पे हूँ। मैं बट ये भूल जाता हूँ कि मैं जॉब करते सकते वीडियो बना रहा हूँ, and it's quite difficult to make videos, job. ये सब फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर, स्ट्रेस, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट में भी खुश नहीं था या यूट्यूब पे भी वैसा सक्सीड नहीं हो रहा हूँ। और ये जो ये सब चीज़ें आती है ना, तो ये आपको एक टाइप से थोड़ा हेल्थ पे भी अफेक्ट करने लगते हैं। ये सब सिंपल प्लान, लाइफ एंजॉय करूँगा, जब घूमने जाऊँगा तब वीडियो बनाऊँगा। ऐसे नहीं कि भैया वीडियो बनाना है इसलिए वहाँ चल गया, नो। So after coming from home, I followed this funda and you can see the difference in quality of work and my health. कैसे शुरुआत करेंगे मोटा होने की? मोटा होने से पहले अपन शुरुआत करेंगे अपने चेहरे को सुंदर बनाने की, बालों को सुंदर बनाने की, अपनी बॉडी को साफ सुथरा बनाने की। मेरे पास सौंदर्य की कोई सामग्री ही नहीं है, प्रकृति का स्पर्श तो नहीं मिला, लेकिन कॉस्मेटिक्स की फेक शाइनिंग तो ले सकते हैं। चलो Now I am chikna as fuck. Oh baby, a triple. तो अब मैं अपने आप पर भी ध्यान दे रहा हूँ, ऑफिस पे भी ध्यान दे रहा हूँ, हर चीज पे ध्यान दे रहा हूँ। Anyone from you, can you guess what is in the box? Oh, fruits इतने महंगे? यार अभी realize हो रही है घर की value. Now I never miss my breakfast. I love dosa. आज वीकेंड है और मेरा एक दोस्त है, वो बहुत पार्टी फ्रीक है, वो बोल रहा है कि चलो भाई कहीं पर चलते हैं। मैंने मना कर दिया। दोस्त इसीलिए तो होते हैं कि प्लान कैंसिल कराओ, अलग ही सेटिस्फेक्शन है। मजाक कर रहा हूँ, मना नहीं किया, जा रहा हूँ मैं पार्टी में। भैया वंटी, और बहुत सारे काम है जो मुझे पेंडिंग पड़े हुए थे, उनको कंप्लीट करना है, तो वो टू डू व्लॉग्स में मैं कंप्लीट करूंगा। टू डू व्लॉग्स करके एक नई प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें मतलब बेसिकली मैं कैसे प्रोग्रामिंग करता हूँ, कैसे जॉब सीकर कोच बना रहा हूँ, और अभी ऑफिशियल सेल्स फोर्स ने मुझे एनालिटिक चैंपियन चूज किया। एक सीक्रेट मैंने तुम लोगों से छुपा के रखा है, पिछले एक साल में एक स्किल पे काम किया हूँ, आइंस्टाइन एनालिटिक्स। उस पे एक इंडिविजुअल वीडियो आएगा बहुत जल्द। भैया चाय, वी आर गोइंग एट साइड वॉक। द मेन रीजन टू मेक दिस वीडियो इज टू गेन सिंपैथी। आई एम वेस्ट एक्सट्रॉर्डिनरी एंड आई एम अ पीस ऑफ शिट। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली, इस टाइप का वीडियो बनाने का मेरा पिछले 4-5 महीनों से मन कर रहा है, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था ना, मैं फ्रस्ट्रेटेड था, लेकिन वो मैं दिखा नहीं पा रहा था, और फिर ये बीमारी। और अब तेरे भाई की लाइफ ट्रैक पे आ गई है, तो अब तेरा भाई अच्छे से काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहा है, पूरा दिखना हो रहा है, और अभी सेल्स फोर्स ने मुझे ऑफिशियल एनालिटिक चैंपियन चूज किया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। इस पर वीडियो आएगा, बहुत जल्दी आएगा। जॉब सीकर क्रैश कोर्स भी बन रहा है, तो जितने भी जॉब सीकर मेरे चैनल पर हैं, उनके सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत जल्दी मिल जाएंगे। और वीडियो एक वीक छोड़ के एक वीक आएगा। और ये वीडियो बनाने का दूसरा मेन मकसद कि जो मेरे जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली, मैं अकेला ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूं जो इस टाइप की चीजों से सफर कर रहा हूं। मेरी एक दोस्त है पुणे में, वो भी सेम चीज से सफर कर रही है, बट उसकी हेल्थ अच्छी है, क्योंकि वो थोड़ी मैं अपनी मस्ती में अलग मस्त। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कर देना, अपने ओपिनियन कमेंट करके बता सकते हो कि तुम किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हो नेक्स्ट। Q&A बहुत जल्दी आ रहा है, सो अगर एक कोई क्वेश्चन हो तो वो डाल देना। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट।
सब्सक्राइब कर दो यार, 10,000 तो पहुंचा दो यार इस साल. सो सब्सक्राइब इफ यू लाइक और मिलेंगे बहुत जल्दी. बाय. जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, अगर कुछ हो जाए ना तुमको बीमारी, गूगल पर सर्च मत करना, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना. गूगल पे कंसल्ट कर लोगे टेंशन हो जाएगी. बे एक होते हैं डॉक्टर, दूसरे होते हैं मेरे बाबू को सिर दर्द हो रहा है, मैं पुच्ची दे दूं और सिर दर्द सही. तीसरे टाइप वाले तो अलग ही नशे करते हैं. ये इनको जो भी सिम्टम्स आएंगे इनको गूगल करेंगे, गूगल करके जो सिम्टम्स आएंगे बस अज्यूम यही बीमारी हुई है, डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप के लिए. डॉक्टर वो है खुद बताएंगे, मैंने गूगल देखा मेरे हिसाब से ये है. डॉक्टर भी लाइक am I joke to you? नहीं, हम तो चूती हैं जो डोनेशन देके इतना डॉक्टरी किया है, इतना टाइम इन्वेस्ट किया. नहीं, हम तो चूती हैं, गूगल है डॉक्टर. नहीं, थर्ड टाइप का पर्सन मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं कभी गूगल पे सर्च. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best.